यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बीते दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने रोहतक पहुंचकर कहा कि केएमपी और सर छोटूराम की सांपला में मूर्ति का एक साथ अनावरण करने को लेकर पीएमओ में चर्चा हो चुकी है, यानी कि अब जुलाई महीने में इसका अनावरण हो सकता है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी सांप लाएंगे, जिससे अब कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या छोटूराम के नाम के सहारे जाटों को लुभाना चाहती है बीजेपी? क्या ये बीजेपी की खुद को किसानों का मसीहा दिखाने की कोशिश है? क्या छोटूराम के नाम के सहारे हुड्डा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी बीजेपी? ऐसे कई और सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको आखिर क्या कुछ कहा गया केंद्रीय मंत्री की ओर से। केएमपी और मूर्ति का अनावरण, इन दोनों चीजों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बात हुई है कि एक साथ ही इनका कार्यक्रम कर दिया जाए, और इसके साथ साथ अंदाज़ा ये है कि जुलाई के महीने में ये प्रोग्राम बन सकता है। तो जुलाई के महीने में इसका अनावरण हो सकता है। केएमपी और सर छोटूराम की मूर्ति का अनावरण जो सांपला में होना है वो एक साथ करवाया जाएगा, और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे हरियाणा के सांपला में। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या छोटूराम के नाम के सहारे जो है बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी हरियाणा में। चर्चा करेंगे, एक विशेष पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इनालो से जोगीराम जी मौजूद हैं, कांग्रेस से केवल ढिंगरा जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले ढिंगरा साहब, आपके पास आते हुए क्या लगता है कि जो सेंध मारी की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए, सेंध मारी तो इनकी रही नहीं। आप देखिए, इनके 154 वायदे थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, वो सारे के सारे फेलियर साबित हो गए। इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने को कहा था, उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी कि हम नहीं लागू कर सकते। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा जी भी फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका सर। संजय शर्मा जी, आवाज मिल रही है? जी, धन्यवाद जी। ढिंगरा साहब, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, जहां तक नैया पार करने की बात है, इनकी नैया तो डूब चुकी है। आपको बताऊं, जिस तरह से हरियाणा के अंदर 3 बार हरियाणा जला, जिस तरह से 100 लोग पुलिस की गोली का सीधा शिकार हुए, उनकी छाती में गोली मारी इस सरकार ने, ये इस तरीके का जो हाल हुआ पूरा टाइम के अंदर जो काम चल रहा है इनका, और आप देखिए भर्ती ये कोई कर नहीं पाए जो नौजवानों को चाहिए। आप देखिए, किसान को ये उनको अपनी फसल का मुआवजा नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करके कहानियां करके अपना टाइम पूरा किया इस सरकार ने। दूसरी बात, जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर नोटबंदी और जीएसटी का इतने बड़े बड़े वो मामले ठोक के इन्होंने उस बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी हालत में करने का काम किया। जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो हालात बीते पिछले 3.5-4 साल के अंदर, इस सरकार ने हर एक आदमी का जीना मुहाल किया। ये किस तरह से नैया पार की बात करते हैं, इनकी नैया डूब चुकी है। अब नैया का कहीं हो नहीं। संजय शर्मा जी आपके पास आएंगे, उससे पहले जोगीराम जी आपसे जवाब लेंगे। देखिए अवंतिका जी, दीन बंधु सर छोटू राम जी ज्वाइंट पंजाब में, जब हमारा देश गुलाम था 1947 से पहले, इनके किसान और मजदूर से रिलेटेड 3 मुद्दे थे। नंबर 1, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों का कर्जा कोई सरकारी कर्जा नहीं था, ये व्यापारियों ने इनको इतना परेशान किया हुआ था ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज, जिससे उनकी सारी ज़मीनें जा रही थी। नंबर 2, कि भी किसानों को ज़मीन के लिए पानी मिलना चाहिए। पानी के लिए सबसे पहले उन्होंने भाखड़ा बांध के बारे में जो प्लानिंग की थी सर छोटू राम जी के टाइम में हुई थी। तीसरा इनका था कि भाई उचित भाव किसान को मिले जी। और उस टाइम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो लड़े, और वो एक किसी विशेष दल जाति के नेता नहीं है, वो किसान मजदूर के, जिसमें आप मुस्लिम भी आ जाते हैं। ये ज्वाइंट पंजाब की बात है, जबकि लाहौर में हमारी राजधानी होती थी, मुस्लिम किसान भी थे। किसान कोई भी हो और कोई भी मजदूर खेती से रिलेटेड हो, सभी के नेता रहे हैं। काम उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, और उन्होंने व्यापारियों को, उसके बाद जब इन्होंने ये फैसला करवाया कि भी किसानों के कर्जे ये व्यापारियों को कुछ शर्तें रख के इस पे ले सकते हैं, तब व्यापारियों की एक मीटिंग उन्होंने प्रदर्शन किया इनके खिलाफ रोहतक में हुई। और रोहतक में जबकि अपोजिशन होने के बाद उन्होंने 1.5 घंटा लेक्चर दिया और उनको समझाया कि आप गलत कर रहे हो, अब तो हम तुम्हें बचा रहे हैं, कल को यही लोग आपके
दुर्व्यवहार से उसे तंग आकर आपको मारना शुरू कर देंगे। आप अपना व्यापार शुरू करिए, ना के निठल्ले बैठकर लोगों को परेशान कीजिए, इनका खून चूसिए। और तब से व्यापारी जाकर माला माल हुए। सवाल ये कि बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, बीजेपी को मैं बता रहा हूँ ना कि केवल एक विशेष जाति का या दल से इनका वास्ता नहीं है। ये किसान और मजदूर के हैं, और इनकी अगर कोई इनके कदमों पर किसी ने कोई काम किया, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने किसान और मजदूर के काम इनके बाद में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे इंडिया में किया, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। क्योंकि किसानों के भाव, किसानों का कर्जा माफ करना, पेंशन बुजुर्गों को देना, ये जननायक ताऊ देवीलाल जी ही थे जो कर पाए। 10,000 रुपए का हरेक का कर्जा माफ चौधरी देवीलाल जी के समय ही हुआ। सबसे पहला इंसान है पूरे इंडिया में। उस टाइम 10,000 हमारी तनख्वाह 322 रुपए होती थी, तो मैं भी जबकि आप 10,000 रुपए, 10,000 उसमें करोड़ों रुपए थे। आप ये बताएं कि चौटाला जी ने जिसका नाम लिया, उन्होंने कितना कर्जा माफ किया? ये बताइए कि 10,000 की वैल्यू क्या थी? चौटाला जी ने कितना कर्जा माफ किया? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मंडी में एक भी चौटाला जी का मैं बता रहा हूँ, मंडी में एक भी दाना बिना बिके नहीं रह सकता। चौटाला जी की सरकार में एक भी दाना बिना बिके नहीं रह, जो कि कांग्रेस के दौरान किसानों का बुरा हाल हुआ और बीजेपी के दौरान हुआ। कोई नहीं मानने का इनकी बातें, और देखो, और मैं एक मिनट और मैं बता रहा हूँ, सांपला गढ़ी में सबसे पहले मैं एक बात करनी है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की बात कोई नहीं मानेगा। नहीं, आपने क्या बोला, मैंने नहीं सुना आपने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो था इनका सर छोटू राम जी का म्यूजियम पार्क बनाना, कितना कर्जा माफ किया बता दीजिए। चौधरी चौटाला जी ने सर छोटू राम जी का सांपला गढ़ी में सबसे पहले इंटरेस्ट लगता था, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। बैंकों के लोन पे कितना इंटरेस्ट लेती थी चौटाला सरकार, ये भी बता दीजिए। सब आएंगे, एक एक प्रश्न का जवाब लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले संजय शर्मा जी को जोड़ लेते हैं डिबेट में। संजय शर्मा जी, छोटू राम का सहारा बीजेपी ले रही है, कितना फायदा होगा सर, क्या वोट में कैश कर पाएंगे इसको? देखिए अवंतिका, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी महापुरुष की जयंती मनाना या उनके स्टैचू को अनावरण करना या स्टैचू लगाना इसलिए नहीं लगाती कि उनसे कोई वोट का फायदा लेना है या राजनीतिक फायदा लेना है। भारतीय जनता पार्टी इन सब महापुरुषों को पूरे समाज के महापुरुष मानती है और उनके दिखाए गए रास्ते पर हम सब लोग चलें। उन्होंने जो एक रास्ता हमारे लिए तय किया, उस रास्ते के हिसाब से हम काम करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो छोटू राम ने रास्ता दिखाया था, उस पर चलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग जब भी किसी बहस में आते हैं, वो मुद्दों को भटकाते हैं और विषय कुछ होता है, किसी और विषय पे चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। अभी आपने चर्चा की है सर छोटू राम के ऊपर, और वो सारी सरकार के खिलाफ जो बातें कहनी है वो कह रही है। सर छोटू राम के बारे में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। देखिए सर छोटू राम जी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के किसानों के और 36 बरादरी के मसीहा थे। उन्होंने मजदूर की बात की, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने दलितों मुझसे ये पूछा था कि आप जो है नैया पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मैंने उसका जवाब दिया। संजय जी आप सुनिए, जो अवंतिका जी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा। उन्होंने सवाल ये पूछा कि आप बीजेपी नैया पार कर पाएगी या नहीं, उनके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। नहीं, उनके उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, आप कहीं और मत बताओ। सुनिए सुनिए, आप चुप रहिए। डूब रही है, कैसे पार लगेगी बीजेपी की? हर एक वर्ग सड़कों पर है, किसान हितैषी थे, मजदूर हितैषी थे सर छोटू राम, आज किसान मजदूर सभी वर्ग सड़कों पर है। देखिए ये सारा कुछ किसान मजदूर सड़क पे है, ये एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस के लोगों ने राजनीतिक साजिश के पीछे, मैं बता रहा हूँ कौन सा, अभी जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो, इस किसान आंदोलन के अंदर छदम भेष में कुछ राजनीतिक लोग लगे हुए हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। किसान को उसके साथ आया ही नहीं, जो बचाया जा रहा है वो राजनीतिक लोग बचा रहे हैं, तो कार्रवाई करवाइए उस पर। मैं ये कह रहा हूँ हो रही है ना कार्रवाई भी, जिन लोगों ने भी किसानों के दूध को सब्जियों को सड़कों पर फेंका। इस तरह से एलिगेशन आप लगा रहे हैं, नाम बताएं कौन करवा रहा है, कौन सी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन किसानों ने कंप्लेंट की है कि हमारी दूध को खिंडा दिया, हमारी सब्जियों को खिंडा दिया,
उन किसानों के कंप्लेंट के आधार पर ऐसे सब छदम भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है हरियाणा सरकार। कौन सी सर, लेकिन, कौन से लोग दोषी हैं उसके पीछे, कौन से पॉलिटिकल लोग दोषी हैं आप बताइए जरा, पता लग जाएगा, बता दीजिए ना आप कह रहे हैं साजिश है तो पर्दाफाश कीजिए साजिश का। सुनिए, राजनीतिक साजिश होती है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही होगी, कौन कर रही है पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ सुनिए तो सही। ऐसे सब किसानों ने कंप्लेंट की है कि जी हम दूध लेकर के आ रहे थे और हमारा दूध फलां व्यक्ति ने खिंडा दिया है, उन सब के खिलाफ सरकार ने मुकदमे भी दर्ज करने की बात कही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। राजनीतिक साजिश है, कौन सी राजनीतिक साजिश है ना, इसमें राजनीति है ना, पता लग जाएगा कौन सी राजनीति है। जो लोग जिन लोगों के खिलाफ शिकायत करी है किसानों ने, उन लोगों का चेहरा जनता के सामने भी आ जाएगा जी। केवल मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पॉलिटिकल लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको सफलता इसमें नहीं मिलेगी। जहां तक रही बात छोटू राम जी की, सुनिए, प्रेम शर्मा जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। प्रेम शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। प्रेम शर्मा जी, अभी गढ़ी सांपला में, सांपला के अंदर जो है सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान है। उन्होंने कहा कि खुद पीएम आएंगे और जुलाई में जो है जहां तक इस मूर्ति का अनावरण हो सकता है। क्या लगता है 2019 में कितना फायदा बीजेपी को इसका मिल सकता है, क्योंकि जाट वर्ग को साधने की कोशिश इसके माध्यम से होगी, साथ ही किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी की होगी। दीनबंधु चौधरी छोटू राम किसानों के मछली आ रहे हैं जी। उनके टाइम में किसानों की जो जमीन साहूकारों के पास गिरवी और रखी जाती थी उससे छुटकारा मिला है। दूसरे उनको मंडी एक्ट लागू होने के बाद किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा भी मिला, उनकी फसल का उचित मुआवजा भी मूल्य भी मिला है जी। कहने का मतलब ये है कि दीनबंधु छोटू राम किसानों के मंशाए रहे हैं, चाहे वो जाट किसान था, चाहे ब्राह्मण था, चाहे गुज्जर था, चाहे अहीर था जी। तो भी छोटू राम का कद जो है हरियाणा की राजनीति में, क्या उत्तरी भारत की जाट राजनीति में बहुत बड़ा कद है और जाट राजनीति का रास्ता जो है पूरा हरियाणा से होकर के गुजरता है जी। निश्चित तौर पे चौधरी छोटू राम की जो मूर्ति का अनावरण, छोटू राम की मूर्ति तो अभी भी लगी हुई है सांपला में, लेकिन वो फ्लाईओवर के नीचे दब गई है। हाँ, बड़ी मूर्ति लगा रहे हैं वो, उसकी जगह बड़ी मूर्ति लगाई जा रही है और ये चुनाव के नजदीक इसलिए लगाई जा रही है ताकि उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सके। लेकिन अगर इसका बेनिफिट मिलता है राजीव रंजन रॉय साहब, तो अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2014 की बात करें तो करीब 170,000 के आसपास जो है वोटों का फर्क था मेजोरिटी में, जिससे जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के अंदर। अगर ये मूर्ति लगाते हैं वो 1,00,000 वोटर जो है वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे तो फायदा हो जाएगा बीजेपी को? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए सर, छोटू राम का जो स्टैचू का अनवील करेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, वो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका वोट्स में आपको ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ये उतना आसान नहीं होगा हरियाणा में जहाँ तक छवि बनाने की कोशिश कर रही है उसका। हाँ, एक अच्छा देखिए रीच आउट है, एक प्रयास तो कोई हर एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी और करनी भी चाहिए, बट आपको उस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है देखने वाली बात है। सर छोटू राम के नाम पर विश्वविद्यालय भी है और सर छोटू राम, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने यहाँ बताया कि समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए इन्होंने काम किया। हरियाणा में देखिए जाट्स उन्हीं पार्टी को वोट करती है जो पार्टी उनको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करती है। आज तक देखिए हरियाणा में जाट का पोलराइजेशन मेजॉरिटी में ये INLD या कांग्रेस के पक्ष में वोट जाती है और वहाँ जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक में तो देखिए जाट्स ने चौधरी देवीलाल जैसे इतने बड़े कद के नेता को उन्होंने हरा दिया और हुड्डा साहब को वहाँ जिता दिया जी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रयास नहीं कर सकती है। अब अगर हम इस प्रकार के जो सेलिब्रेटेड लोग हैं जिनको कि अगर पार्टी सम्मानित करती है उनके नाम पे स्टैचू का अनावरण करते हैं, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि थोड़ा सा रोहतक से जब आप आगे जाएंगे तो एक राव तुलाराम भी हरियाणा के बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सेना से ये संग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वर्षों से एक डिमांड पड़ा हुआ है उधर के लोगों का कि एक विश्वविद्यालय का नाम आप राव तुलाराम के नाम पर कर दें, वो नहीं करते हैं।
चूंकि इसलिए नहीं करते हैं कि चूंकि उनका जो वोट बैंक है वो उसका उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हरियाणा में रोहतक में इनका सिग्निफिकेंस है, चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो बीजेपी का एक यह प्रयास है और मुझे नहीं लगता है कि इसका तुरंत इन टर्म्स ऑफ वोट्स भारतीय जनता पार्टी को कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगी। लेकिन सर छोटू राम, जिनको आज जो है जिनका सम्मान बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, उन्होंने किसान वर्ग के लिए कितना काम किया। आज वही किसान वर्ग सड़कों पर है और लगभग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में रही हो, हाल यही रहता किसान का। ये देखिए, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले डिबेट में हमने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के मसीहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों की मसीहा है, INLD किसानों की मसीहा है, किसानों के सारे लीडर्स उनके मसीहा है, बट बेचारे किसानों की स्थिति में कोई सुधार ही नहीं होती है। कर्ज 2004 में भी थी, जब पी चिदम्बरम साहब ने 2009 में सारे फार्मर्स का माफ कर दिया तो 2018 में उसी कर्ज की माफ की और हम बात कर रहे हैं। तो ये एक सवाल उत्पन्न होता है कि बार बार किसानों के ऊपर कर्ज आता है, बार बार आप कितना माफ करेंगे। फिर बैंकिंग सेक्टर कहता है कि हम परेशान हो रहे हैं, फिर कॉरपोरेट सेक्टर को का रेफरेंस देकर के लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को आप लाखों करोड़ों रुपए की छूट देते हैं, किसानों के क्यों नहीं। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की, उस पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी दलों को मिलकर के काम करना चाहिए, जिसमें कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। जोगीराम जी, आप कहते हैं कि आपकी सरकार थी तो 10,000 जो है रुपए का कर्ज माफ हुआ था, बेहद मजाकिया ये लगता है, लेकिन हालांकि नहीं 10,000 मजाकिया लगता, उस टाइम का टाइम देखिए आप, 1 मिनट सुनिए, बीजेपी को 4 साल तो याद नहीं आए सर छोटू राम जी, आज याद है। सर छोटू राम जी का सबसे पहले गढ़ी सांपला में म्यूजियम किसने बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और वहाँ स्टैचू भी लगा हुआ है। हाँ। और उनकी जरूरत की जो चीज़ें थी लाहौर से स्पेशली वहाँ से रिक्वेस्ट की गई, वो लेके आए, म्यूजियम केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के यानी नहीं बना। तो हर पार्टी नहीं है, राजनीति नहीं है, वो दिल से चाहते थे, वो दिल से चाहते थे, उनको सही किया, उससे पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए अभी जो बीजेपी ये कह रही है कि स्टैचू लगाएंगे, नहीं सुनिए, अब बीजेपी कह रही है स्टैचू लगाएंगे, अच्छी बात है, हम कहते हैं स्टैचू आपने भी लगाया ना सर, स्टैचू आपने भी लगाया, मैं कहते हैं इनकी भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले देखिए आपको आप दूसरी तरफ कह रहे हो, अभी सबसे पहले याद किसने किया, ताऊ देवीलाल जी ने याद किया, चौटाला जी ने, फिर वही बात कर रहे हो आप, मेरे साथ चौटाला जी ने क्या किया वो बताएं आप, सबसे पहले बताइए कितने कर्जे माफ हुए, पहले किसानों का एक एक दाना, कर्जे माफ हुए एक एक दाना बिकवाने वाले हो, पता चौटाला जी कर्जे माफ किए आपके टाइम में, तो आपने किसानों के कितने कर्जे 6 साल में माफ किए, टाइम में बिकती नहीं थी, आपने बताइए आपके टाइम में फसलें नहीं थी, अगर अच्छे किसान किसान कभी नहीं कहता मेरे कर्जे माफ करो, अब आप किसान कभी नहीं कहता माफ करो, किसान ये कहता मुझे उचित भाव मिले, वो कहता है किसान कहता मुझे उचित भाव मिले, मेरे को कर्जे की छूट नहीं है, उचित भाव मिलने चाहिए, उचित भाव ना बीजेपी ने दिए, उनका एजेंडा था उनको उचित भाव देने चाहिए। देखिए अवंतिका जी, ये जो अभी इन्होंने कहा वो इनकी बात है, मैं आपको बताऊं 10 साल में हमारी जब सरकार रही 1600 करोड़ के कर्जे हमने किसानों के माफ किए, और आपको ये भी बता दूं कोऑपरेटिव बैंक सुन लीजिए, जो जो उसके बाद किए हमने माफ किए ना, माफ किए कर्जे, कोऑपरेटिव बैंक से ही लोन जाता है, कुछ भी किया किसानों का लोन कोऑपरेटिव बैंक से जाता है, दूसरे बैंक सुन लीजिए आपने, उन्होंने सुन लीजिए चौधरी देवीलाल, अब आप चौटाला जी बैंक से ही बैंक से ही है, आप लोगों ने सभी बैंक से ही है, अच्छा ये नीति उनके अंतिका जी बात नहीं करने देंगे, हमने अपने टाइम के अंदर 1600 करोड़ रुपया माफ किया, उसके बाद 14% इंटरेस्ट जब हमारी सरकार आई तो चौटाला की गवर्नमेंट 14% इंटरेस्ट लेती थी उसके ऊपर, जो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता था उसको पहले हमने 4% किया, उसके बाद हमने 0% किया, आप ये देखिए इंटरेस्ट रेट पे झूठ बोल रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी 4% ले रही है, अभी 0% हरियाणा की बात कर रहा हूं, 0% करने का काम किया हमने, पहले सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट का 4% भी हमने करवाया। अभी जो अभी जीरो बोलने नहीं देंगे, आप सुनिए, एक मिनट में झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे सारा काम किसानों के लिए अच्छी चीजें करवाई आपकी सरकार में, कुछ भी किसानों के लिए अच्छी चीजें जो आप कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कहते हैं सुनिए, दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि सर छोटू राम तो भूमिहीन किसानों को भूमिपति बनवाया था और आपकी सरकार के कार्यकाल के समय में भूमिपति किसान जो है वो भूमिहीन बना दिया। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे टाइम पे जो हरियाणा के किसान हैं उनका हमने क्या फायदा किया, मैं वो बात बता रहा हूँ। हमारी सरकार में 1600 करोड़ के उनके बिल माफ किए। सर छोटू राम बात करें ना, उनके लिए क्या किया आप, बीच में कहां जोगी रामजी पढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बोलने नहीं देना, आप गलत बात मत करिए। आप जो बात है सर, हमने 0% टैक्स करने का काम किया। अभी मोदी जी केजीपी का उद्घाटन किया उन्होंने इलेक्शन के दौरान। आप ये देखिए, वो मनमोहन सिंह जी का उद्घाटन किया हुआ था केजीपी, उसको जोड़ कहां रहे हैं किराना लोकसभा के साथ, और वहां पे जाके बागपत में जब रैली करते हैं और ये कहते हैं कि ये रोड जो है बागपत से 45 किलोमीटर का कम रास्ता हो जाएगा, किस तरह की राजनीति है, झूठ बोलने का काम करते हैं। केजीपी जो बना है वो कांग्रेस ने शुरू किया, सिर्फ एक एक सुन लीजिए, सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने क्या बना दिया। देखिए मैं आपको इसी चीज का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको छोटू राम जी को कैश करने की बात बीजेपी कर रही है, उनके बारे में इसी तरह से इन्होंने शुरू किया बीजेपी को मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से ये मूर्ति अनावरण की बात कर रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने किराना जो लोकसभा चुनाव हुआ था इन्होंने केजीपी का उद्घाटन किया उस दौरान, और ये यही सेम चीज अब इलेक्शन से पहले यहां पे करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब केजीपी का फायदा वहां पे नहीं मिला, क्योंकि बागपत के अंदर जो इन्होंने अपना ढोंग रचा था वही ढोंग अब हरियाणा के अंदर रचने जा रहे हैं कि हम ये इसका फायदा ऐसे ले लें। सर छोटू राम जी जो थे वो किसानों के नेता थे, बीजेपी की कोई उनके साथ कोई वो नहीं था, बीजेपी और कोई भी पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है, वो एक किसानों के नेता थे, उनको अगर जोड़ के देखेंगे तो ये चीज उनको मिलेगी नहीं। ये अभी अभी ये बात नहीं होगा, कोशिश भले ही कर रही हो बीजेपी, लेकिन संजय शर्मा जी दीन बंधु सर छोटू राम ग्राम विकास योजना जो है वो भी शुरू कर दी गई थी बीजेपी की ओर से सर छोटू राम को सम्मान देने को लेकर, एक साल हो गया सर ये भी योजना सिरे नहीं चढ़ रही है, तो सर छोटू राम को कैसे सम्मान दे रहे हैं आप? अवंतिका अगर मुझे बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा, इनेलो और कांग्रेस के लोग ना बोले तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं बंद कर देता हूं फोन। नहीं सर बोलिए आपका, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता किसानों के मसीहा बनकर के यहां बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे क्या बताएंगे कि 10 साल के शासन काल में इन्होंने हरियाणा के किसानों की बेकीमती जमीन कोड़ियों के भाव अक्वायर करके बड़े बड़े बिल्डरों को बेच दी, और वो किसान कर्जे के बोझ के मारे इसलिए मर रहा है कि वो कांग्रेस ने उनकी जमीनों को हड़प लिया। ये बात तो बड़ी बड़ी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन किया किसानों के लिए कुछ नहीं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन कमीशन की बनाई हुई इंप्लीमेंट की कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन 2010 में उसकी रिपोर्ट देने के बावजूद उस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करा पाए, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं। अभी ये जिस केजीपी की बात कर रहे थे जी, वही केजीपी इनकी सरकार के जाने से 2-3 साल पहले बनकर के तैयार हो जानी चाहिए थी, तो बताएंगे कि क्यों नहीं बन पाई वो, क्यों वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्यों उस पर अलग चर्चा की भेंट चढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 90% काम हो चुका था, उस पर 90% काम हो चुका था। आप लोग कहते हो कि हमने शुरू किया और हमने इसको चला दिया है केजीपी को, और झूठ बोलने के लिए बागपत में मोदी जी रैली करके बोलते हैं। जहाँ तक रही सर छोटू राम की बात, देखिए छोटू राम जी के लिए जो दीन बंधु ग्रामीण विकास योजना हमने, आप कैसे कह रहे हो उसको ठंडे बस्ते में चली गई, उसके लिए जो भी 10,000 से ऊपर की आबादी का गाँव, तो सही अभी सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको,
10,000 से ऊपर की आबादी का जो भी गांव है उस सब गांव के अंदर सर छोटू राम के नाम से वो योजना प्रारंभ हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं अभी कैथल जिले के डांड में पुंडरी में करनी शुरू कर दी है और ये काम चल जाएगा। रही बात इसके नाम पर राजनीति करने की या वोट देने की, मैंने 2017 मेरी पूरी बात हो लेने दीजिए, मुझे आधा मिनट और दीजिए। सर काउंटर क्वेश्चन ही तो कर रही हूँ सर, मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ आपसे कि अब शुरू होने वाली है ना ये योजना। हाँ बिल्कुल, योजना शुरू होनी शुरू हो चुकी है, इसी बजट में तो हमने प्रावधान किया है ना, इसी मार्च में अप्रैल में जो हमारा फरवरी में हमारा बजट चुनावी मोड पे बात कर रहे हैं, प्रावधान किया था उसी में प्रावधान किया तो अब वो लागू हो गई है। रही बात आपको जी, रही बात जो स्मारक है चौधरी छोटू सर छोटू राम जी का, उस समारोह को भव्य रूप देना कोई हमारी वोट की राजनीति है। अभी इलेक्शन हरियाणा में 1.5 साल बाद होना है, केंद्र का 1 साल बाद होना है। अरे लेकिन केंद्र के इलेक्शन में ही तो वहाँ पे लोकसभा के लिए आप मेंबर खड़ा करना चाहते हो, महापुरुषों की जयंती ये 9 महीने रह गए सिर्फ ओनली, भीमराव अम्बेडकर जी हो, 9 महीने रह गए सिर्फ ओनली, वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, ये वनिता जी देखिए, चैलेंज हमारे सामने क्या है, चैलेंज यह नहीं है कि फार्मर्स के ऊपर जो कर्ज है उसको माफ कर देना, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यह है कि वो क्या ऐसा पॉलिसी बनाए, क्या ऐसा काम करें कि फार्मर्स के ऊपर कर्ज ना हो, ये वो रियल चैलेंज है। उस रियल चैलेंज के प्रति जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उस दिशा में बड़ी बड़ी पार्टियां चाहे रीजनल पार्टीज हैं इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करती है। कर्ज माफ करना एक स्मॉल डिसीजन है, जब भी हो मन करे आप कर्ज माफ कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं जैसे सर छोटू राम, अब सर छोटू राम के पैरेलल भी कई ऐसे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हरियाणा में हैं, उनको आप याद क्यों नहीं करते हैं? दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में जो हमारा प्रजातंत्र है, यहाँ जुगाड़ प्रथा का जो ट्रेडिशन चला है कि जहाँ जिससे थोड़ी सी वोट मिले उसको हम आगे कर देते हैं। अच्छी बात है, सर छोटू राम का पूरा सम्मान मिलना चाहिए, यह अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या ऐसे और महापुरुष जो हरियाणा में पैदा हुए हैं जिनका कर्म भूमि रहा है हरियाणा, उनको आप याद क्यों नहीं करते हैं? तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन सर छोटू राम के माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों का वोट बैंक जो है, आप उदाहरण दीजिए ना राजीव रंजन जी, ऐसे महापुरुषों का नाम दीजिए ना आप, महापुरुष नहीं नहीं एक संजय जी मुझे याद है, एक बार मैंने उस पर लिखा भी था, बहुत पहले की बात है, एक बड़ा ही छोटा सा डिमांड है उधर के महेंद्रगढ़ के लोगों का कि एक विश्वविद्यालय का नाम, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उसका नाम आप राव तुलाराम यूनिवर्सिटी रख दें। मुझे याद है कि हाँ काफी का भी नाम बदला गया ना सर, हाँ काफी पहले रामबिला शर्मा जी ने प्रॉमिस किया था, मुझे वो भी याद है कि एक फंक्शन में कि मैं इस पे विचार करूंगा और इस पे सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मुझे लगता है कि ये मांगने की बात नहीं है, सरकार को खुद करनी चाहिए। चलिए प्रेम शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए, प्रेम शर्मा जी भले ही पिक एंड चूज करिए लेकिन कहीं ना कहीं सर छोटू राम का नाम जो अब लिया जा रहा है उसके माध्यम से किसान वोट तो मिलेगा ना? मैडम ऐसा है, किसान जो है ना चौधरी छोटू राम का जो है हर पार्टी में इज्जत है, और चौधरी छोटू राम किसी एक पार्टी के साथ बंध के भी नहीं रहे हैं। पिछला इतिहास ये बताता है चुनाव के दौरान जैसे पिछली बार बीजेपी को कितनी वोट मिली, इन लोग ने संग्रहालय भी बनाया, मूर्ति भी लगाई, कितनी वोट मिली है। ये भावनात्मक मुद्दा जरूर है लेकिन आज का जो युवा वोटर है वो उस मुद्दों की तरफ कम जाता है, वो विकास की तरफ ज्यादा सोचता है। अब विकास में बीजेपी से जो उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद उस मुद्दों पे तो बीजेपी खड़ी उतरी नहीं। जहां तक भावनात्मक मुद्दा है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ तो जुड़ता है, अदर के साथ नहीं जुड़ता। जो ये अपना उसको लेके आने का प्रयास बीजेपी की तरफ से अपना ब्रिगेड उसको अपना जनरल को सियाज को उतारने का प्रयास जो चल रहा है जी। उसमें ये बात ठीक है कि बीजेपी को उसको उनके उतारने से लाभ मिलेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें रोहतक झज्जर में एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा है और एक्स सर्विसमैन उनका सम्मान भी करता है, लेकिन उसमें भी आप एक बात देखिए कि 2017 में बहादुरगढ़ में शहीद राजेश जून के नाम से आवास योजना शुरू की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए थे और जनरल सियाज भी आए थे, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। बीच में कंपनी काम करने के लिए आई थी, 10 दिन काम करके बंद हो गया,
और वो काम 1.5 साल से बंद पड़ा है। लेकिन कोशिश उसके मामले लेकिन कोशिश बीजेपी की है कि भावनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं जोड़ा जाए लोगों को। लेकिन उसका भावनात्मक तब कामयाब होगा अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके परिवार से कोई आदमी चुनाव लड़ता है। यानी चीफ मिनिस्टर वो कहना ये चाह रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपने मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो। लेकिन जोगीराम जी, किसानों को लेकर राजनीति जो है जब भी चुनाव आते हैं तभी शुरू हो जाती है। अभय चौटाला जगह जगह आते हैं, हालांकि आपने कहा कि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अभय चौटाला आप बीच में बोल जाते हो, गलत कह रहे हो। नहीं नहीं, आप दूसरे मुंह में बात डाल रहे हो, ये गलत कह रहे हो। नहीं, आप गलत, देखो बीच में बोलना एक आदमी लय में बोल रहा है और आप बीच में बोल जाते हो तो ठीक नहीं है। नहीं किसी नहीं नहीं सुने क्या, एक कान से दोनों सुनेंगे। अच्छा अब तो सुन लीजिए ना जोगीराम जी, अब तो सुन लीजिए, कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए आप। जोगीराम जी, अभय चौटाला जगह जगह जाते हैं किसानों के मिलने के लिए, वहां पर बोलकर आते हैं कि हमारी सरकार आई है, कर्ज माफी हम कर देंगे। सर इस तरह से कैसे चलेगा? आप चौटाला के समय, जब इससे पहले सरकार थी चौटाला जी की, उस समय का कामकाज आप भूल जाते हैं, तब की बात आप नहीं करते हैं, देवीलाल जी की बात करते हैं, अब फिर से आप कह रहे हैं किसानों को इस तरह से कर्ज माफी का लॉलीपॉप दे रहे हैं। देखिए, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करते हैं, तब देवीलाल जी की बात करते हैं। आप सबसे पहला ये है कि बीजेपी को जो हमारे सर छोटू राम जी की विचारधारा थी उस पर चलना चाहिए। उनकी विचारधारा में सबसे पहले पॉइंट था कि भी उचित दाम मिले, उचित दाम इन्होंने दिए नहीं। दूसरा पॉइंट उनका था जैसे भाखड़ा डैम की उन्होंने प्लानिंग की थी, पानी का प्रबंध हो, SYL पे ये मुकर गए बिल्कुल ही। क्या किया आपने SYL पे बताइए? राजीव लोगों का समझौता जो है वो आपने विरोध किया उसका। अब आप पानी लाना नहीं चाहते थे उस समय, आप विरोध कर रहे थे। चुप हो जाओ। तिसरा उनका मुद्दा था कि सर छोटू राम को बुलाने की माफ होने चाहिए, छोटू राम को किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। जोगीराम जी, सर छोटू राम को बुलाने की कोशिश तो इन्हें लोग कर रही है ना, देखो जगह जगह अगर नाम तो लिया जाता है। छोटू राम जी किसान और मजदूर के नेता हैं और हमारी पार्टी किसान और मजदूर की पार्टी है। देखिए प्रेम शर्मा जी ने बताया, कोशिश तो आपने भी की थी, म्यूजियम बनवाया, विचारधारा पे चलती है, सबसे पहले देवीलाल जी के लगाए, छोटू राम जी के लगाए, उन्होंने सबसे पहले देवीलाल जी के उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर हर गली गली में लगाए। कोशिश हो रही है सर इनके आश करने की। दूसरा आदमी कोई पैदा होने वाला नहीं है चौधरी देवीलाल जी के बराबर। मैं तो कह रहा हूँ आप जितने काम उन्होंने किए, चौटाला जी ने क्या किया, साहब के काम सुन ही नहीं सकते। संजय शर्मा जी बोल रहे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सर छोटू राम का जी का जीवन या उनकी जयंती मनाना या उनके जीवन पर कोई कार्यक्रम चलाना ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, और हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना भावनात्मक मुद्दा है, या हमारे लिए गीता जयंती मनाना भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन ये सारे भावनात्मक मुद्दे हमें वोट लेने के लिए नहीं हम कर रहे, हम ये चाहते हैं कि इन भावनात्मक मुद्दों के साथ आम जनता जुड़े और आम जनता इनकी भावनाओं से जुड़े। उन लोगों की, इन महापुरुषों की जो भावना है, उनका समाज के प्रति जो समर्पण था, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो काम किए, वो उत्थान के काम ये सरकार भी करे और जनता का उसमें सहभाग हो। इसलिए हम इन भावनात्मक मुद्दों को लेकर चलते हैं। वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते, रही बात कर्ज माफी की। देखिए स्वामीनाथन जी ने भी ये कहा है कि कर्ज माफी किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए कोई एक हल नहीं है। आप नहीं कहेंगे, आपने कह दिया हम नहीं करेंगे। फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सर छोटू राम के नाम के सहारे बीजेपी की नैया पार लग पाएगी, क्या हुड्डा के घर में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है, संजय शर्मा जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर आप बात कह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि स्वामीनाथन जी ने भी ये बात कही है कि किसानों का कर्जा माफ करना उनके समस्याओं का समाधान नहीं है, उसके लिए उनके जो इनपुट्स हैं वो सस्ते करने पड़ेंगे, बीज
अच्छा देना पड़ेगा, उनको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसको मंडीकरण अच्छा करना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा। डीजल सस्ता करना पड़ेगा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? सुनिए, डीजल सस्ता करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बात सवाल यह है कि फिर आपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? संजय जी फोन लाइन पर है, एक एक करके बात रखेंगे जी। आप बताइए संजय जी, फिर मैनिफेस्टो में आपने क्यों लिखा कि हम कर्जा हम 50% इंक्रीज करके देंगे किसानों को? बिल्कुल देंगे। कब देंगे फिर? अरे सुनिए भैया, अरे भैया आपने तो 50 साल में नहीं दिया, हम देंगे 50 साल की बात नहीं आ रही इसमें, अभी देंगे इसी खरीद की बात कर रही है, कहते हैं 50 साल में काम हुए इसको छुड़ा नहीं सकते हम, इनको 50 साल दो ना। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, आपका ढींगरा जी, मैंने सवाल सुन लिया, मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। आपने तो लोगों के साथ हमेशा दगा किया, आपने कुछ नहीं किया। मैंने बता दिया कि साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट खुद नहीं लागू करी जिसके वो चेयरमैन थे, लेकिन हमने जो वायदा किया है वो हम इसी टेन्योर में देंगे, इसी खरीफ की फसल से देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी जो 5-4 साल 3.5 साल 4 साल बीत गए, अब कब दोगे? पूरी बात नहीं है, आप सवाल कर रहे हैं, आप ये बताएं आपकी सरकार ठीक है? 2006 में रिपोर्ट आई, क्या किया आपकी सरकार ने? लागू करवाई, वादा किया था, लागू करवाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कहां वायदा किया था? किसानों की तो मांग थी ना, किसानों की तो मांग थी ना, लागू करवाई आपने? जी अवंतिका जी, हमने कब वायदा किया कि हम इलेक्शन, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ के देखे 2014 का, हमने कहां वायदा किया? हमने ये कहा कि हम 1600 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सुनिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसानों के फेवर में थी, किसानों के लिए भलाई होती, फिर आपने क्यों नहीं लागू किया? आप नहीं चाहते थे किसानों का भला हो? 2006 में रिपोर्ट आ गई थी। अवंतिका जी, मैं आपको सवाल दूंगा, बीच में मैं ना बोले तो मैं आपको सवाल पूरा जवाब दे दूं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, हमने अपने 10 साल के टेन्योर के अंदर किसानों के लिए ही काम किए हैं, जो 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, वो उनका इंटरेस्ट 0% कर दिया, SOEL का पानी लाने के लिए हमने पूरा जोड़ लिया, सारी SOEL हम हमारे टाइम पे खुदी, सारी SOEL कांग्रेस के टाइम पे खुदी, और आज तो आज जो रुकी हुई है वो बीजेपी के कारण रुकी हुई है। हमने तो किसानों के लिए सारा काम किया। सुनिए, दादूपुर नलरी हमने बनाई, आप ये बताएं कि 3-4 साल के अंदर जो है किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है, किसान हमेशा से सड़कों पर रहा है। देखिए अवंतिका जी, आप मेरे को सवाल का जवाब देने दें, जो बात जनता के बीच में जानी चाहिए वो बात सुनिए। आप काउंटर क्वेश्चन मेरे से बाद में कर लीजिएगा, आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप कौन सुनेगा? अगर मैं कांग्रेस की आवाज सुनेगा कौन? अगर सुनना नहीं चाहते आप लोग, आप सुनिए पहले, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप चुप करिए, आपको तो पता ही कुछ नहीं संजय जी, आपको सुनिए। हमारी 9 साल के टाइम के अंदर हमने 1600 करोड़ के सर आपकी सारी बातें मान ली मैंने, केवल एक अरे सुन तो लीजिए, अगर आप सारी बातें मान ली तो फिर कैसे होगा? सुनना नहीं चाहते क्या कांग्रेस को? सर बिल्कुल सुनना चाहते हैं, सर सुनिए ना, सर आप ही से सवाल कर रही हूँ, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, जवाब ही ले रही हूँ आपसे, आप ही से ही सवाल कर रही हूँ। बताइए, आप कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत काम किया और किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम आपकी सरकार के समय, बिल्कुल आपके प्रदेश अध्यक्ष गए थे बीते दिनों किसानों के धरने पर समर्थन देने के लिए, जवाब क्यों नहीं दे पाए? वो क्या काम किया आपकी सरकार ने 10 साल में? अरे सुनिए तो सही अवंतिका जी, आप मेरे को देने देंगे? आप सवाल कर लिया मुझसे कि आप बिल्कुल आपसे क्या जवाब? अभी मैं जवाब देता हूँ, आप थोड़े शांति रखे बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो काम किए वो गिनाना चाह रहा हूँ। हमारे टाइम पे 1600 करोड़ कर्ज माफ हुआ, 14% जो इंटरेस्ट लगता था 0% कर दिया, उसके बाद हमने SOEL जितनी खोदी वो हमारे टाइम पे खुदी, दादूपुर नलवी हमने खोदी, उसके लिए नहरों में सब लोगों को किसानों को पानी जाना था, कांग्रेस ने पानी पीना नहीं था, वो जब दादूपुर नलवी अब बन गई थी तो इसको बंद करने का काम कौन कर रही है? ये जो बादल की सरकार थी इन्होंने वो नहरें को वापस करने का काम क्यों किया? जहां हरियाणा की सरकार है, मैं हरियाणा के मुद्दे पे बात करता हूं, हमने किसानों के हितों का काम पूरे 9 साल के अंदर किया। आप मुझे बताएं कौन से उसके अंदर हमने काम नहीं किया? हम तो हर चीज खाद पूरे टाइम पे मिलती थी, पूरी अमाउंट चलिए सर, आप ये सारा काम क्या जवाब दे ले, बीमा कंपनियों का जो संजय जी जो दवाई लेते हैं ये बीमा कंपनी हमारे चलिए सर सुन लेते हैं, आप जबरदस्ती बीमा काट रहे हैं किसानों का, चलिए सर सुन लेते हैं, क्योंकि हम भी वही बीमा कंपनियों को देते थे, सर चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, सर सुन लेते हैं आप। संजय शर्मा जी, इसका मतलब ये है, ढींगरा साहब ये कहने चाहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग का नियुक्ति करके एक जनता के साथ किसानों के साथ ढकोसला किया था,
हमें असल में उसके लिए करना कुछ नहीं था, केवल अपना समय कमाना था। सुनिए तो सही, स्वामीनाथन का आयोग गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन 2010 में उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 2014 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने उसका एक इंच काम नहीं किया, एक शब्द को इंप्लीमेंट नहीं किया, और ये बनते हैं किसानों के मसीहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के तुरंत बाद ना केवल उनकी बताई हुई बातों पे अमल करना शुरू किया, बल्कि उसको इंप्लीमेंट करके और उसका परिणाम भी सामने लेकर के आ गए हैं। इस खरीफ की फसल से जो उनकी मुख्य मांग है कि जो लागत है उसमें 50% लाभांश जोड़कर, वो भी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मांग है एमएसपी का 50% इंक्रीज देना। उनकी मुख्य मांग है किसानों की एमएसपी का 50% इंक्रीज देना, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं। तो हलफनामा दायर किया ना बीजेपी ने, कैसे कर दिया आपने? इसी बार की खरीफ की फसल से वो भी हो जाएगा। नहीं नहीं सर, इस बार हलफनामा बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। वो क्या हलफनामा था, वो भी झूठ बोला जाता है रोजाना। वो हलफनामा ये था कि पहले साल ही ये कहा गया कि क्या आप इसको पूरा का पूरा इसी ढंग से लागू कर देंगे, उसमें जवाब ये दिया गया था कि एज इट इज आज की डेट में उस बात को लागू करना संभव नहीं है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको लागू करेंगे और अपने कार्यकाल में उसको पूरा करेंगे। जिसको दूसरा झूठा वो दे रहे हो आप, कह रहे थे फर्स्ट डे कर देंगे। प्रेम शर्मा जी जुड़े हुए आप हमारे साथ फोन लाइन पर, उन्होंने कहा फर्स्ट डे करेंगे हम। प्रेम शर्मा जी फोन लाइन पर हैं आप? जी जी। प्रेम शर्मा जी क्या लगता है, जिस तरह से कहा जाता है क्योंकि इनेलो की ओर से कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, हर एक पार्टी अपने आप को किसानों का हितैषी मान रही है, तो फिर अगर सभी पार्टियां हितैषी हैं तो किसानों का क्यों नहीं भला हो रहा है? इसमें जो है दो मुद्दे ऐसे हैं हरियाणा में, एक तो SYL का मुद्दा, एक स्वामीनाथन आयोग का मुद्दा। ये ऐसा है कि ये हमेशा जब चुनाव नजदीक आता है तब उठाए जाते हैं, जैसे ही चुनाव हो जाता है ये ठंडे हफ्ते में चले जाते हैं। अब ये SYL का मुद्दा भी गर्म है और स्वामीनाथन आयोग का भी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के विषय में बीजेपी ने जिस केंद्र में सरकार बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब साइकिल यात्रा निकाली थी, नंगे होकर के कमीज उतार करके साइकिल पे यात्रा की थी कि हम सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। चलो इन ये कहते हैं कि हमने मूल्य बढ़ाया, बढ़ाया बाजरे की क्या हालत है, आज सरसों की क्या हालत है, जब किसान जो स्वामीनाथन आयोग तो खरीदा गया है हरियाणा के अंदर एमएसपी पर, पहली बार खरीदा गया हरियाणा में एमएसपी पर, आपको पता होगा प्रेम सिंह प्रेम जी। नहीं नहीं पता है, लेकिन बिकता पहली बार 4000 से सरसों खरीदी गई है, आपको पता होना चाहिए। दो दिन पहले भी जो है ना सरसों की फसल अभी तक सरसों नहीं बिक पाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खरीदा गया, मैं कह रहा हूँ पहली बार एमएसपी पे खरीदा गया, 100% के रेट के हिसाब से खरीदा गया। किसी भी सरकार ने कभी सरसों नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको खरीदा। 100% बिकनी चाहिए ना, ना कि व्यापारियों को फायदा उठाने के लिए कभी 25% पहली बार में ही। आपके इतने कार्यकाल रहे, आपने तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हमसे पहले कार्यकाल में आप अपेक्षा करते हैं, अरे हमने कुछ किया तो ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए देखिए संजय जी और मैं ढींगरा साहब दोनों को बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही ऐसी दुर्दशा की है इनकी। 10 रुपए बढ़ाते थे एमएसपी भी हर साल में, ये इससे ऊपर बढ़ाते नहीं थे, और सेंटर के ही हाथ में ये होता है कि उसकी रेट्स बढ़ाना, प्रोक्योरमेंट एमएसपी सेंटर का होता है, स्टेट का मुद्दा नहीं होता। स्टेट का मुद्दा होता है कि भी जिम्मेदारों को एक एक दाना बिके, टाइम पे बिके, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एफर्ट्स को कोई बढ़ा नहीं सकता। रात रात को भी मंडियों में जाना और टाइम पे उठाओ होना। अब की बार क्या हुआ बीजेपी के टाइम में के बोरियां नहीं उठी हैं और उसमें रिश्वत चली है, 4 रुपए इकट्ठा, 5 रुपए इकट्ठा, और इनके मंत्रियों का हिस्सा उसमें था, क्यों झूठ बोल रहे हो? उसके बाद लोगों ने पानी छिड़कना शुरू कर दिया, दाने की खरीद हुई, क्यों झूठ बोलने लगे? छिड़कने का काम इनका चौटाला जी ने शुरू किया।
जो ये कह रहे हैं 10 पैसे बढ़ाते थे, 10 रुपए, 117 रुपए गन्ने का रेट था जब हमारी सरकार आई, 10 रुपए गेहूं करता है, 320 रुपए करने, 117 से गेहूं पे भी आता हूं ना, सुनिए तो सही, पहले साल 117 रुपए गन्ने का रेट था जब हमारी सरकार आई, जब हमारी सरकार गई 320 रुपए था, आप ये कहिए आज भी वही रेट है, 10 रुपए बढ़ाया सिर्फ कांग्रेस ने, बीजेपी ने 3.5 साल के अंदर। अब गेहूं की बात पे आए, गेहूं का रेट जो है इनकी सरकार में कभी बढ़ा ही नहीं, हमारी तो हमारे सरकार के अंदर उसका रेट बढ़ता गया, सेंटर और आज पूरी खरीद होती थी, कोई किसान कभी धरने पे नहीं आया, बताइए ना, सुन लीजिए ना, 10 साल में कोई किसान धरने पे नहीं आया, कितना आज भी गन्नौर के अंदर लोग सड़कों पे पुतले फूंक रहे थे, किसान जो है अपने सिर को गंजे करवा रहे थे, आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग सुनिए मेरी बात, जिस समय हमारी सरकार थी एक भी कोई भी हमारी डिमोन्स्ट्रेशन किसानों की उस पर नहीं हुई पूरे 10 साल के अंदर, आज सारे किसान जो है वो सड़कों के ऊपर है, गेहूं का रेट बताइए, बिल्कुल बड़ा, कितना बड़ा, एमएसपी की टोटल खरीद होती थी, सारे रेट बढ़ते थे, रेशो वाइज लगातार रेट बढ़ता होता, कोई किसान सड़कों पर नहीं था, बीजेपी तो गई, उसकी बात छोड़ो, आपके समय बहुत कम हुआ, इनेलो के समय में बहुत कम हुआ, राय साहब क्या लगता है सिर्फ 4 साल में किसान की टोटल चाल हुई है, सुनिए सर, सुनिए, ये देखिए एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है कंक्लूजन में, देखिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी तीनों के वक्ताओं को सुनने के बाद एक चीज स्पष्ट है कि जो फार्मर्स की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उनकी कंडीशन यथावत बनी हुई है, 85% फार्मर्स जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, हरियाणा पंजाब कहीं भी सब जगह यही स्थिति है, जो सीड्स की कीमत बढ़ती जा रही है, एक जो चीज़ मुझे लगता है कि संजय जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे या ढींगड़ा सर साहब भी कोशिश करेंगे इस पर कुछ बोलने के लिए, एमएसपी के अगेंस्ट में भारत का जो एमएसपी की जो पॉलिसी है इसके अगेंस्ट में डब्ल्यूटीओ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने पिटिशन डाल रखा है इंडिया के अगेंस्ट में कि आप जो एग्रीड नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट जा करके आप एमएसपी जो व्हीट और राइस की दाम बढ़ा रहे हैं जो कि गलत है उसको आप कम कीजिए। देखिए हमें ये बात एडमिट करनी चाहिए पब्लिकली कि यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है और इसके बदले में देखिए केंद्र की सरकार देखिए अपने तरह से वो मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, बिल्कुल एडमिट करूंगा कि आप कांग्रेस की सरकार हो भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, एमएसपी आप एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते हैं, हम जो यहाँ डिबेट करते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता है, जो वहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट में लोग बैठे उनको भी पता है, केंद्र में जो सरकार में उनको भी पता है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेशर है, ग्लोबल नॉर्म्स है, लेकिन दूसरे जो ऑप्शंस है उस पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप काम नहीं करती है, पैरेलल मैकेनिज्म की बात नहीं करती है, अभी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कि मोदी जी के आने से थोड़ा सा इस पे बातचीत हुई है कि फार्मर्स का इनकम हम बढ़ाएं और उनके लिए नए नए एवेन्यूज क्रिएट करें, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो रिजल्ट्स आते आते फार्मर्स की दशा फिर वही हो जाती है, वो तुरंत इंटरवेंशन की भी जरूरत है, शॉर्ट टर्म जो है कुछ करना होगा, शर्मा जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है सरकार करती है 2022 जी, राजीव रंजन जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, देखिए जो इंटरनेशनल प्रेशर है वहाँ तो 1200 रुपए से ऊपर आप गेहूं बेच ही नहीं सकते, जिस हिसाब से उनका प्रेशर है आप 1300-1400 रुपए ऊपर अपना धान नहीं बेच सकते, अभी चाइना में गए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चाइना की सरकार के साथ हमने समझौता किया है कि वो हिंदुस्तान से हमारे यहाँ से धान का निर्यात करेंगे और उस निर्यात के कारण से क्या होगा कि देश के अंदर धान की कीमतें बढ़ेंगी, चावलों की कीमतें बढ़ेंगी, तो ये जो इंटरनेशनल प्रयास आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रीटीज के हिसाब से जो रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि तुरंत उसका परिणाम नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन सर शॉर्ट टर्म चाहिए ना किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, एक अंतिम बात कहता हूँ कि 2022 के जो हम बात करते हैं और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो वो 2022 के इन्हीं प्रयासों के कारण से परिणाम आएगा कि किसान की आमदन दुगनी होगी आज के हिसाब से, मैं उसकी फसल के रेट को दुगना नहीं कह रहा, उसकी आमदन को डबल होने की बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व है जिसके कारण से किसानों की खुशहाली आने वाले समय में आने वाली। जी संजय शर्मा जी एक सवाल और आपसे, आप कह रहे हैं सर छोटू राम की का जो रास्ता था उनका जो मार्गदर्शन था उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश जो है बीजेपी भी कर रही है, कर्ज माफी की बात वो कहते थे, क्या इस पर भी विचार करेगी बीजेपी अब? नहीं, कर्ज माफी की बात वो कहते थे, मैंने कहा कि स्वामीनाथन जी ने जो कहा है
की कर्ज माफी है वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है किसान की दुर्दशा सुधारने के लिए। वो उस समय उन्होंने इस तरह की बात कही होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कर्ज माफी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कर्ज माफ करके देख लिया या पहले चौधरी देवीलाल ने भी कर्ज माफी करके देख लिया, लेकिन किसान की दुर्दशा नहीं संभली। किसान की दुर्दशा समझे उसकी फसल का उचित दाम मिलने से, उसकी फसल को बिकलने से। बहुत छोटा सा रिएक्शन देखिए, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, ये सिर्फ झूठे नारे और झूठी बातें करने में अस्वस्थ है। जैसे इन्होंने अभी केजीपी में किया, झूठ बोल के वहां पे 45 किलोमीटर का जो है इलाका नजदीक कर दिया, उसी तरह से मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से केएमपी की बात अभी जो अभी अनावरण करने जा रहे हैं उसमें करेंगे। ये झूठ के बुलावे जो हैं अभी लोगों को समझ आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सब लोग समझ चुके हैं। बीजेपी की ओर से दावे लगातार कई किए जाते हैं, कहा जा रहा है कि किसानों को राहत देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि झूठी बातें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। जोगीराम जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय बेहद कम है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हालांकि देखना होगा किसानों की स्थिति जो है वो कितनी सुधर पाती है। सर छोटू राम को कैश करने की कोशिश बीजेपी भले ही कर रही हो, लेकिन 2019 में इसका वाकई में कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।